नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द चैताली शो में। मैं हूँ चैताली हिमांशु झवेरी और आज मैं हूँ जोधपुर राजस्थान। ओल्ड चुनर मैं तो गई रे सत्संग में, थारो मारो न्याय हुओ सत्संग में। सत्संग अर्थात संतों का संग। माना जाता है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो भी उपदेश दिया था, अगर आप सत्संग में हैं तो संतों की वाणी से वो सारा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। वसुदेव जी की आंखों में देखो प्रेम रा आंसू आया है, शरीर में रोमांच छाई गयो, आनंद उत्सव में देखो वे मनसु गयो। जीवन का, जीवन की वास्तविकताओं का, जीवन के मूल्यों का और आध्यात्म का सारा सार संतों के मुख से ही मिल जाता है। संतों की वाणी से मन में ईश्वर और आध्यात्म के प्रति विश्वास की एक जोत जग जाती है। आज जब हम जोधपुर राजस्थान में पहुँचे और मैंने श्री राम प्रसाद जी महाराज के मुख से जब पूरा कृष्ण जन्म का वांचन सुना, ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर सच में हमारे आसपास ही है। ये वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जब महाराज जी ने पूरा कृष्ण जन्म का वर्णन किया, माँ देवकी से कृष्ण जी जब तक माँ यशोदा के पास पहुँचे, ये वर्णन जब हो रहा था, ऐसा लगा ये सारे दृश्य आँखों के सामने दौड़ रहे हैं। इतना सुखमय, इतना आनंदमय वो पूरा प्रसंग आंखों के सामने आ जाता है। जब महाराज जी ये सारा वर्णन कर रहे थे, आए हुए सारे भक्तजन पूरी तरह से इसमें खो गए थे, हर्ष उल्लास में पूरे डूब गए थे और भाव विभोर हो गए थे। सच कहूँ, मैं भी इतनी इसमें खो गई कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं भी उसी माहौल में, उसी संगीत में झूम उठी। Oh,
ऐसा लग रहा है मैं अब भी वही हूँ, खोई सी हूँ। यही तो प्रभाव है संतों की वाणी का। इंसान अपने आप को भूल जाता है और अपने आप को ईश्वर के समीप महसूस करने लगता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। ब्रेक के बाद मिलके बताएंगे कैसे महाराज जी ने पूरा वर्णन किया कृष्ण लीला का। बने रहिएगा हमारे साथ द 44 शो में। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है। किसी को लोनलीनेस तो किसी को सैडनेस, किसी को फाइनेंशियल समस्याएं तो किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, किसी को एंजाइटी, किसी को फैमिली प्रॉब्लम तो किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी को लीगल इश्यूज। लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, बट हर बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम, तो फिर सॉल्यूशन कहाँ है? अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, और मैं आपको सारे सोल्यूशन दू। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। यू कैन हील योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू कैन लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म विथ मी। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। नमस्कार, और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है द 44 शो में, और मैं आज हूँ जोधपुर, राजस्थान में। अब जानते हैं कि महाराज जी किस तरह से कौन कौन सा वर्णन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का। माखन चोर बंसी वाले ने कितनी सारी लीलाएं की थी, चलिए जानते हैं महाराज जी के मुख से और क्या क्या लीलाएं उन्होंने की है। चार भुजाओं में संग चक्र गदा पद्म सुशोभित है। वसुदेव जी की आंखों में देखो प्रेम रा आंसू आया है। शरीर में रोमांच छाई गयो। आनंद उत्सव में देखो वे मनसु गयो रे दान रो संकल्प करे। तीसरे जन्म में मैं फिर थोड़ो बेटो हुयो हूँ। साधारण रूप में थोने मारो ज्ञान होनो कठिन हो, इन वास्ते मैं थोने वो रूप दिखलायो है। यदि थोने कंसु डर है तो थे मने गोकुल ले चालो। बटे यशोदा जी रे गर्भ लड़की जन्मी है, उन लड़की ने थे कठे ले आओ भगवान। दोनों ने देखना देखना छोटा सा बालक दल देवगी की गोद में आए, मंद मंद मुस्कुराने लग गया। वसुदेव जी भगवान ने ले गोकुल जाने की इच्छा करी। उन समय यशोदा जी के गर्भ से लड़की के रूप में योग माया प्रकट हो जावे। योग माया के प्रभाव से जेलरा सब द्वारपाल सोएगा। भगवान ने ले वसुदेव जी दरवाजा में आया तो बड़ा बड़ा लोरा कपाट लोरी शांतला बंद दरवाजा। मैं हूँ आज जोधपुर के लाल मैदान में, और हमारे साथ है यहाँ के ट्रस्टी जी, और यहाँ पे जन्माष्टमी के पर्व पे एक बहुत भव्य आयोजन किया गया है। ये हमारा राम प्रसाद जी महाराज है। यहाँ पे चातुर्मास 3 माह का आयोजन चल रहा है। अभी पिछले 4 दिन से भागवत कथा भी हो रही है। इसमें हमारे जन्माष्टमी का ये जो भव्य त्यौहार आया है, इनका आज आयोजन किया है गया है महाराज बाबजी द्वारा। और हर साल इस मंदिर में हर त्यौहार को हर आयोजन हम करवाते हैं ट्रस्ट की तरफ से। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, भक्तों की हर साल इनसे ज्यादा ही होती है भीड़। अभी शाम को हमारा और प्रोग्राम है, शाम को इसी जगह पे है, इसी जगह पे बाहर भीड़ बहुत ज्यादा। शाम को इससे 2-3 गुना भीड़ और भी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हो रही है शाम को। आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इतनी बड़ी? हमारे इन हमारी ट्रस्ट है, हमारे 14-15 मेंबर है ट्रस्ट में, हम सब मिलके काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है द 44 शो में। बताइए ये लाल मैदान में जो आज ये भव्य आयोजन हुआ है, इसके बारे में और आगे क्या क्या आपके प्रोग्राम आने वाले हैं? पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ
बालाजी शिवजी मंदिर प्रांगण में क्या चतुर्मास के इस कृष्ण के जन्म के अवसर पर आप पधार करके हम सब हरि भक्तों को और सभी हम सबको लाभान्वित किया, उसके लिए मैं आपका और आपके सभी टीम का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और ये भव्य आयोजन का हमें विटनेस बनाने के लिए। भव्य आयोजन का तो भगवान की कृपा है, बालाजी की, देवों का देव महादेव की कृपा हो गई, आज कृष्ण भगवान की जन्मदिवस पर कृष्ण भगवान की कृपा हो गई कि आप लोग यहाँ पधारे, और ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है। कौन कब आता है ये किसी को पता नहीं पड़ता, समय पे अपना पहुंचा देते हैं और आप हमारे बीच में पधारे। इस भव्य आयोजन पे आप देख करके इस सभी हरि भक्तों को जो आशीर्वाद प्रदान किया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में सभी हरि भक्तों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चतुर्मास आयोजन आज 3 महीने के लिए चतुर्मास ये आयोजन चल रहा है, जो सत्संग के माध्यम से ये शिव पुराण हुआ था और कई आयोजन हुए थे यहाँ शिव पुराण के साथ साथ, और भी कई महात्माओं द्वारा सन्मात्माओं का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिला, और इस आयोजन में सफल करने के लिए मैं सबसे पहले तो मंदिर ट्रस्ट का हमारे सचिव है राम सिंह जी, हम उनको काड़ू जी के नाम से कहते हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें स्वीकृति दी और मुझे इस लायक बनाया और भगवान का आशीर्वाद प्रदान हुआ और मुझे जिम्मेवारी दी, और उस जिम्मेवारी के लिए मैं मेरी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो पूरी टीम तन मन धन से पूरे सब मिलकर के, चाहे महिला हो चाहे हरिभक्त हो, कोई भी ऐसे भी काम करते हैं, और इस आयोजन का आज जो आपने देखा, मैं ये समझता हूँ कि ये भव्य आयोजन बहुत आपकी उपस्थिति में बहुत ही शानदार आयोजन हुआ, उसके लिए मैं आपका और हमारी मंदिर ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार महंत राम प्रसाद जी ने पूरे इसको लीड किया है। ये हर वर्ष वही करते हैं या कोई और आयोजन भी आप करते हैं? नहीं, ऐसे इस मंदिर में सभी हरिभक्तों का, संतों का यहाँ समागम होता है। अभी चतुर्मास में हमने सब ने मिलकर के राम प्रसाद जी महाराज से निवेदन किया था और राम प्रसाद जी महाराज ने हमारे सबका निवेदन सभी हरि भक्तों के सामने स्वीकार किया और मंदिर ट्रस्ट ने हमें कहा कि आप काम करो, हम पूरे आपके साथ हैं। तो मैं मंदिर ट्रस्ट का देखिए, क्योंकि जो जमीन मंदिर जो चलाने संचालन होते हैं वो लोग अपन को ये जिम्मेवारी देते हैं कि आप कीजिए, हम साथ हैं। उन्होंने जो हमें ताकत दी है तो उस ताकत के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं राम प्रसाद जी महाराज को, संत अमृत राम जी महाराज को, सुखराम जी महाराज को, तो गोविंद गोपाल जी महाराज को, और सभी संतों को जो संत या पधारे हैं उन सबको श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आज इस आयोजन के लिए सभी हरिभक्तों को भी मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने इस पधार करके इसकी शोभा बढ़ाई और जन्म कृष्ण जन्म का आज जो सभी को हरिभक्तों को जो लाभ दिया, उसके लिए राम प्रसाद जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका धन्यवाद। कृष्ण की लीलाओं को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, उसे तो सिर्फ आत्मा से, दिल से महसूस किया जा सकता है। अगर आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं या आपके कोई सुझाव है या आपके पास सच में कोई कहानी है, आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ अगले सफर में। मैं चैताली हिमांशु झवेरी।